गुड इवनिंग टू ऑल गुड इवनिंग बच्चों हाउ इज योर स्टडी होप इट्स गोइंग ऑन वेल तो सब बच्चे आ जाएंगे बच्चों क्लास आपकी लाइव हो चुकी है कुंदन छोटी चांदनी नितेश शिवानी अनु वेरी गुड इवनिंग अल्पना गुड इवनिंग रूपेश तो बच्चों आज हम सेट नंबर 62 करने वाले हैं दैट इज बेस्ट ऑन पेडोगल इश्यूज और बेसिकली हम इसमें पेडोगोजी के सारे क्वेश्चन लेंगे देखते हैं कि क्या कोई वहां पे पैराग्राफ भी है जी शिवानी एम फाइन थैंक यू आयुषी गुड इवनिंग तो चलिए बच्चों देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन यहां पे एंड द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्टी Anita, ये यहाँ है, पे है, है। है। अच्छा सेवन को आपका एग्जाम है ऑल राइट right. अच्छा कल एक्चुअली कल समथिंग आई हैड टू डू अभी एक आध दिन ऐसी प्रॉब्लम रहेगी हो सकता है कल भी मुश्किल रहे वरना फिर आपकी क्लास होगी ओके मैं एक बार चेक कर लेता हूं बच्चों बफरिंग इशू इज देयर अब ये ठीक है कोई बात नहीं अच्छा रूपेश आपका दस को है ठीक है कोई बात नहीं है सब बच्चे लगातार आ, क्लास करते रहें पीछे वाली जो क्लास है उसको लगाते रहें ये सबसे बेस्ट रहेगा जी वानी गुड इवनिंग तो बच्चों सब लोग यहां पे देखेंगे सब लोग यहां पे चेक करेंगे और सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर देंगे कुछ बच्चों ने आंसर दिया भी है कि विच पेयर कॉन्स्टिट्यूट टाइप्स ऑफ कोग्नेटिव स्टाइल तो बताओ बच्चों कोग्नेटिव स्टाइल को कौन सा इनमें से प्रेजेंट करता है एंड एनालिटिक रिग्रेसिव एग्रेसिव प्रोडक्ट ओरिएंटेड प्रोसेस ओरिएंटेड या बच्चों फॉर्मल एंड इनफॉर्मल जी नीता फाइन एम फाइन थैंक यू अच्छा सब आया अल्पना बहुत अच्छी बात है इट्स ग्रेट देखो अच्छी फीडबैक है बच्चों की यानी कि जो हम वर्क कर रहे थे वो कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं फ्रूटफुल है तो ये बहुत अच्छी बात है अपने आप में बस हम कोशिश करेंगे कि ऐसा ही वर्क आगे भी करते रहें जिससे बच्चे बेनिफिटेड होते रहें ओके वन का वन आंसर दिया है बिल्कुल ठीक है बच्चों ये होलिस्टिक एंड एनालिटिक बनेगा तो आंसर आपका वन जाएगा क्वेश्चन नंबर टू में आते हैं और देखते हैं इन लिंग्विस्टिक्स इन लिंग्विस्टिक्स

कि हमें स्टडी करने होते सिंटेक्स में वो सारे प्रिंसिपल जो एक सेंटेंस के कंस्ट्रक्शन को बनाते हैं हाँ बिल्कुल नाजिया ये जैसे सिंटेक्स वाला भी आप क्वेश्चन देखें सामने वाला हंड्रेड परसेंट यूपी के लिए भी इतना ही इंपॉर्टेंट है बेटा आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर थ्री पे और क्वेश्चन नंबर थ्री कहता है व्हेन रीडिंग टू एनकोड मीन तो एनकोड का मतलब क्या होता है वहां पे जब आप रीड कर रहे हैं तो एनकोड encode... मीन्स आप क्या बनाते हैं Gather रेलिवेंट इंफॉर्मेशन ओके बहुत अच्छी बात है अल्पना इट्स गुड ठीक है जी ठीक है तो बच्चों देखो एन कोड का मतलब gather रेलिवेंट इंफॉर्मेशन कन्वर्ट ग्राफिक मीडियम into visual विजुअल मीडिया और वाइसी वर्षा हाइड एडिशनल मीनिंग इन कम्युनिकेशन या फिर एक्सप्रेस मीनिंग इन डिफरेंट फॉर्मेट्स बताइए बच्चों क्या बनाएंगे आप क्वेश्चन नंबर थ्री में आप क्या आंसर बनाएंगे यहां पे ओके okay. देखो बच्चों थ्री को अगर हम देखे एन कोड एन कोड का मीन्स होता है किसी चीज को कोड में बदलना किसी चीज को कोड में बदलना तो देखो जैसे यहां पे लिखा है गैदर रेलिवेंट इंफॉर्मेशन ये कोई बात ही नहीं है हाइड एडिशनल मीनिंग इन कम्युनिकेशन नहीं अभी देखो इसमें लिखा है सेकेंड नंबर पे कन्वर्ट ग्राफिक मीडियम इनटू विजुअल मीडियम और वाइसी वर्षा तो यहां पे अगर हम देखें चारों में तो मीन्स आपका ये जाता है सेकेंड कि कन्वर्ट ग्राफिक मीडियम इनटू विजुअल मीडियम और वाइसी वर्सा इसका एकदम उल्टा ये एनकोडिंग कहलाता है तो आंसर बच्चों आपका टू जाएगा यहां पे थ्री का आंसर आपका बी बनेगा आते बच्चों क्वेश्चन नंबर फोर पे कहता है विच पेयर ऑफ वर्ड्स हैज द सेम साउंड एंडिंग अगर सेम साउंड एंडिंग का मीन्स बने तो बच्चों उसने सीधे सीधे आपसे पूछा बताओ कौन से इनमें से राइम वर्ड है कौन से वर्ड्स इनमें से राइमिंग वर्ड हैं राइमिंग तो आप मुझे बताइए राइज राइस तो बच्चों बाद वाला इनका बनेगा ही नहीं हेयर वेयर ओके कॉपी अपस्ट्रॉफी बियर बेर क्या बनेगा कैसे बन सकता है नहीं 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 आप नहीं जानते बच्चों अगर आप इस वर्ड को देखेंगे लास्ट वाले को तो एक वर्ड को बोलते हैं बियर इसको बियर बोलते हैं बेर बियर इसको बोलेंगे इसको बेर बोलेंगे तो अलग हो जाएगा मीन्स इसका बच्चों सेकंड बैठेगा इसको कहते हैं हेयर इसको कहते हैं वेयर तो देखो एयर 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 वाला लास्ट वाला जो है ये आपको देखना है राइम में आपको कंप्लीट नहीं देखना बल्कि लास्ट वाली चीजों को देखना है यहां पे जो राइम बनती है तो ये राइम बिल्कुल इसकी सेम बनेगी क्वेश्चन नंबर फाइव पे देखते हैं बच्चों लिखा है नोट टेकिंग एंड स्टोरिंग स्किल्स आर एग्जैंपल्स ऑफ तो अगर हम नोट टेक कर रहे हैं बच्चों और स्टोरिंग कर रहे हैं स्किल्स को तो ये क्या बनेगा समराइजिंग मैपिंग रिड्यूसिंग अ पैसेज लेंथ या फिर एक्सपेंडिंग एन आइडिया बिल्कुल बच्चों फाइव का ए बनेगा ये समराइजिंग है अगर हम नोट टेकिंग और स्किल्स की बात करें ये समराइजिंग बनेंगी आते बच्चों क्वेश्चन पे शिक्ष कहता है If the piece of writing is brief, ब्रीफ है complete है अपने आप में में है और विदाउट डिग्रेशन एंड इमोशनल ओवरटोन है और लॉजिकली अरेंज है जो बच्चों क्या बनेगी क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट मेमोरेंडम रिपोर्ट या फिर न्यूज़पेपर आर्टिकल बताइए सब बच्चे राइट right, बच्चों इसको हम रिपोर्ट कहेंगे इट्स अ रिपोर्ट थर्ड पर्सन में है तो इसमें कहीं इमोशनल डिग्रेशन नहीं है इमोशनल ओवरटोन नहीं है लॉजिकली अरेंज है और थर्ड पर्सन में वो ब्रीफ है तो ये बच्चों आपकी रिपोर्ट बनेगी तो आंसर हमारा क्या बनेगा आंसर बच्चों हमारा बनेगा रिपोर्ट क्वेश्चन नंबर सेवन को देखेंगे इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट वी इंटेंड टू गो ऑन अ फील्ड ट्रिप विथ आवर टीचर्स दिस इज आवर प्लान तो रूल कहता है कि विच इज विच इज अ रेफरेंस वर्ड बताइए सब बच्चे क्या है रेफरेंस वर्ड यहां पर इंटेंड है दिस है वी है या बच्चों प्लान है स्टेटमेंट है हमारा वी इंटेंड टू गो ऑन ए फील्ड ट्रिप विद अवर टीचर्स दिस इज आवर प्लान सिक्स का बी बहुत अच्छे बच्चों सेवन का आपका बी बनेगा यह दिस होगा एक्चुअली दिसको अगर हम देखें तो रेफरेंस वर्ड क्यों कहलाएगा क्योंकि ये प्लान का रेफरेंस दे रहा है यानी बेसिकली हम किसको ले रहे हैं यहां पे प्रनाउन को तो सेवन का आंसर आपका बी बना आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर एट पे और एट कहता है असिस्ट द टू सैम्पल्स ऑफ यूर स्टूडेंट्स हैव यूज वाइल राइटिंग क्या बच्चों लिखा इन्होंने नंबर वन हाउ आइसक्रीम इज मेड ये टाइटल ऑफ द रेसिपी है आर यू स्ट्रेस फ्री टाइटल इन द लाइफ स्किल्स बुक तो लाइफ स्किल्स बुक में बच्चों ये है हमारा जी बिल्कुल ठीक है ओके जी बिल्कुल ठीक है तो बच्चों इसमें आंसर आपको देखना है सिर्फ के सैंपल वन या टू करेक्ट है या क्वेश्चन मार्क इज मिसिंग इन सैंपल वन नहीं बिल्कुल नहीं देखो देखो अगर हम देखें सैंपल वन एंड टू आर करेक्ट अ क्वेश्चन मार्क इज मिसिंग इन सैंपल वन बिल्कुल हंड्रेड परसेंट बच्चों यहां पे क्या होना चाहिए आपका क्वेश्चन मार्क सैंपल वन इज इनकरेक्टली कंस्ट्रक्टेड वाई सैंपल टू इज करेक्ट ओके या सैंपल टू इज इनकरेक्टली या फिर सैंपल वन इज करेक्ट अगर आप ध्यान से देखें तो फर्स्ट वाले में हंड्रेड परसेंट ये नहीं है तो इसको हम कहेंगे इनकरेक्ट सेकंड वाले आर यू स्ट्रेस फ्री इसमें इंटेरोगेटिव है तो इसमें आंसर बनेगा कि सैंपल वन यानी कि थ्री आंसर आपका जाएगा लेकिन बच्चे आंसर नहीं दे पा रहे हैं ऐसा क्यों इसका तो आंसर सही देना चाहिए था आपको भाई सेकंड वाले को पढ़ के हम समझ सकते हैं ना कि क्वेश्चन मार्क इज मिसिंग इन सैंपल वन तो आंसर बच्चों हमारा थर्ड बनेगा आते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन पे यू आस्क व्हाट योर कंट्री हैज डन फॉर यू तुम्हारी कंट्री ने तुम्हारे लिए क्या किया आई कैन आंसर विद क्वेश्चन हैव यू डन फॉर योर कंट्री तो बच्चों ऐसे स्पीच को हम क्या कहेंगे मतलब कि तुम्हारी कंट्री ने तुम्हारे लिए क्या किया है हम एकदम से क्वेश्चन करते हैं तुमने कंट्री के लिए क्या किया है तो बच्चों ये रिटोरिकल क्वेश्चन बनेगा ऐसे क्वेश्चन जिसका ऐसा आंसर ना हो वो रिटोरिकल कहलाता है दैट क्वेश्चन बिकम्स रिटोरिकल तो नाइन का आंसर आपका सी जाएगा बहुत अच्छे बच्चों आते क्वेश्चन नंबर टेन पे अ फेलो ट्रेवलर एट द एयरपोर्ट हैड जस्ट फिनिश्ड रीडिंग द न्यूज पेपर एंड यू वॉन्ट टू आस्क हिम फॉर पास टू यू चूज हाउ विल यू मेक द रिक्वेस्ट पास मी द पेपर पास मी द पेपर प्लीज कैन यू पास मी द पेपर या फिर बच्चों कुड यू पॉसिबली पास मी देपर सबसे बेस्ट कॉन्वर्सेशन या फिर आपका रिक्वेस्ट कौन सी रहेगी तो बच्चों हंड्रेड परसेंट वो फोर की रहेगी सही आंसर जा रहा है आप लोगों का यहां पर आप कुड से बनाएंगे एग्जैक्टली exactly चांदनी बिल्कुल ठीक है आंसर हमारा फोर बन जाएगा आते हैं बच्चो इलेवन नंबर पर कहता है अ पर्सन सिटिंग बिहाइंड यू सिनेमा स्टार्ट टॉकिंग आपके पीछे बैठा हो पर्सन आप मूवी देख रहे हैं वो बातें कर रहे हैं ऑन द मोबाइल फोन एंड यू वॉन्ट टू स्टेल हिम और हर टू स्टॉप चूज हाउ विक द रिक्वेस्ट आप उसे रोकना चाहते हैं आप कैसे रिक्वेस्ट करेंगे स्टॉप टॉकिंग सो लाउडली प्लीज डो नॉट यूज द मोबाइल फोन कॉन्ट यू कैनोट यू नोट यूज है ना ये तो कोई बात ही नहीं कुबली स्टॉप टॉकिंग यूजिंग मोबाइल फोन हंड्रेड परसेंट बच्चों इलेवन का डी बनेगा बिल्कुल ठीक है सोनम शिवानी करेक्ट हो गया आंसर तो बच्चों इसमें भी हम कुड से बनाएंगे क्योंकि कुड़ जो होता है वो इनफॉर्मल तो है बट वो पोलाइट रिक्वेस्ट है वो किसको बताता है पोलाइट रिक्वेस्ट को है ना तो आंसर हमारा यहां पे डी बनेगा आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व पे एन एग्जाम्पलर फोर होमोनिम अब बच्चों देखो होमो का मतलब होता है समान यानी एक जैसे सेम और निम्का मीन्स होता है बच्चों स्पेलिंग यानी ऐसे वर्ड जिनकी स्पेलिंग समान हो और जिनका प्रोनाउंसिएशन भी समान हो बस उनका मीनिंग डिफरेंट हो लेकिन अगर हम इसमें देखें बेसिकली इसमें स्पेलिंग स्पेलिंग और बच्चों क्या उनका प्रोनाउंसिएशन प्रनाउंसिएशन भी सेम होगा समान होगा बस मीनिंग डिफरेंट होगा समझ रहे बात को अब देखो इसमें ऐसी कोई कंडीशन नहीं बन रही है बल्कि होमोफोन बन गए बच्चों ये सारे के सारे होमोफोन कहलाएंगे देखो अगर मैं इसको देखू पहले वाले को आइल आइल इन दोनों को आइल बोला जाता है आइल इसका मीन्स है बच्चों आइल का मीन्स टापू से जबकि पहले वाले का मीन्स है गलियारा बाकी यहां पे बीर बेर स्टेल स्टॉल स्टॉक स्टॉक ठीक है जी हां बस हम इसमें होमोफोन बना देंगे तो आंसर आप इसका वन कर देंगे अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों और यहां पे देखते हैं विच इज लेक्सिकल वर्ड लेक्सिकल वर्ड बेसिकली कौन सा होता है वो होता है जो कैरी करता है मतलब एक तो इसका इंडिपेंडेंट मीनिंग होगा इंडिपेंडेंट मीनिंग और बच्चों क्या करता है इट कैरीज इट कैरीज द मीनिंग ऑफ द होल सेंटेंस ये बच्चों पूरे सेंटेंस के मीनस को लेकर चलता है तो अगर हम इसमें देखें तो ऐसा कौन सा वर्ड बन सकता है लव तो आंसर आपका बन जाएगा बहुत अच्छे बच्चों करेक्ट आंसर जा रहा है सबका तो यहां पे लव ऐसा है कि अगर हम उसे छोड़ दें सेंटेंस से तो हमें कंप्लीट मीनिंग समझ में आएगा ही नहीं वेरी गुड बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टीन पे वाइल लर्निंग अबाउट द पैसिव वॉइस फॉर्म स्टूडेंट्स लर्न अबाउट तो स्टूडेंट काहे के बारे में लर्न करते हैं तो देखो क्या लिखा है बच्चों पैसिव वॉइस यूज ऑफ बाई पोजिशन ऑफ वर्ब्स पोजिशन ऑफ नाउंस या यूज ऑफ वर्ब फॉर्म तो पैसी वो में सबसे बड़ा जो डिफरेंस बनता है बच्चों किसका बनता है यूज ऑफ वर्ब फॉर्म्स का क्योंकि सबसे बड़ा डिफरेंस वर्ब में आता है तो हम आंसर क्या करेंगे यूज ऑफ वर्ब फॉर्म बाकी तो सब ठीक है लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो बनेगा वो वर्ब का होता है क्योंकि वॉइस का मीन्स ही वर्ब से है ये मैं बता चुका हूं सब बच्चों को <coughs> वोइस का मीन्स वर्ब से जाता है आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 पे स्टूडेंट्स कैन लीव द स्कूल प्रेमिस एट 12:30 राइट दे कैन लीव द स्कूल स्कूल का मींस है स्कूल के यानी कि क्षेत्र को छोड़ सकते हैं 12:30 पे स्टूडेंट्स ओ टू लीव द स्कूल प्रेमिस एट 12:30 पीएम ठीक है जी द टू गिवन स्टेटमेंट्स कैन बी डिफरेंशिएटेड बाय ड्राइंग स्टूडेंट्स अटेंशन टू तो देखो पहले वाले में लिखा है बच्चों कैन और दूसरे वाले में लिखा है यहां पे ओ टू टू किसको दिखाता है मोरलिटी को और कैन किसको दिखाता है हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ को तो अगर हम इन दोनों में देखें क्या डिफरेंस difference बनेगा डिफरेंस इन द अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स ओके मीनिंग कन्वेड बाय द मॉडल हा द रोल ऑफ द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट एब्सेंस ऑफ द चेंज तो बच्चों सबसे बड़ी बात यहां पे सेकंड की जाएगी अगर आप 15 में देखेंगे तो यहां पे जो मॉडल वर्ब डिफरेंस बना रही है या वर्ब मोडिफायर इस पे ही डिफरेंस बनेगा ओ टू का मतलब है बच्चों के वो मोरलिटी को फॉलो अप करके इस वर्क को करेंगे जबकि कैन का मीन आई कैन लिफ्ट दिस आई कैन सोल्व दिस तो कैन का मतलब है 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 कि मेरी है, मेरी एबिलिटी कैपेसिटी मैं इसे कर सकता हूं तो ये बस डिफरेंस बन जाएगा तो आंसर आपका टू बनेगा सिक्सटीन को देखेंगे विच लर्निंग डोमेन कॉन्स्टिट्यूट हाइयर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स तो बताओ बच्चों अगर आप देखेंगे तो हमारी दो स्किल्स का ऑर्डर बनता है हायर का हायर स्किल्स और बच्चों नीचे बनती है हमारी हायर ऑर्डर थिंकिंग और नीचे वाली लोअर लोअर वाले में आप देखेंगे रिमेम्बरिंग है अंडरस्टैंडिंग है है ना एप्लीकेशन है लेकिन इवेल्युएशन जो जाएगा <coughs> वो हायर ऑर्डर में होगा एग्जैक्टली exactly, बच्चों तो आंसर आपका डी बनेगा एनालाइजिंग Analy... भी होगा तो भी ऊपर बनेगा बाकी ये तीनों के तीनों आपको नीचे वाले में होंगे आते हैं और बच्चों एफिक्षे, आता है। आप एफिक्स लगाते हैं किसी वर्ड के शुरू में प्रीफिक्स जोड़ते हैं बाद में सफिक्स जोड़ते हैं नया वर्ड बन जाता है कंपाउंडिंग से आप नया वर्ड बनाते हैं तो ये दोनों चीजें आप जानते हैं इसी को हम नाम क्या देंगे वर्ड फॉर्मेशन टीन नंबर कहते हैं वेन रीडिंग डिकोड मीन अच्छा ये तो हमारा हो चुका है फिर भी इसको देखते हैं एन एक्शन वर्ड इन आईसीटी द कॉम्प्लेक्स पजल या अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज तो बच्चों डिकोड का मीनस है कि कोड को अब यहां पे डिकोड करना तो इसका मतलब है एनालाइज एंड अंडरस्टैंड ठीक है जी मतलब वहां पे जो इंफॉर्मेशन हमारे पास होती है उस वर्ड को हम कहां पे यूज करते हैं उसे एनालाइज करते हैं और उसको अंडरस्टैंड करते हैं ठीक है बच्चों, आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे स्पीकर वन यहां पे टू स्पीकर्स दिए हैं स्पीकर वन है आपका क्या है इसमें वी हैड एन एंजॉएबल हॉलीडे दिस विंटर बिल्कुल ठीक है सेकंड कहता है बच्चों स्पीकर टू वेयर डिड यू गो इसने क्वेश्चन पूछा स्पीकर वन कहता है वेयर है ना ये कहता है यस विद विच प्लेस डिड यू विजिट ड्यूरिंग द है ना ड्यूरिंग द असेसमेंट ऑफ अब अगर हम ये कहें वेयर यहां पे पहले वाले का वियर एंजॉयबल और दूसरे वाले का यहां पे ये वाला गड़बड़ कर रहा है स्पीकर वन तो बच्चों अगर हम देखेंगे तो यहां पे किसके मार्क्स कटेंगे स्पीकर वन के अगर हम देखें तो यहां पे डिडक्ट जो होंगे मार्क्स ये लिखा है यहां पे डिडक्टिंग ड्यूरिंग द एक्सचेंज तो ये स्पीकर वन बनेगा बिल्कुल ठीक है बच्चों आगे क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी पे वाइल्ड राइटिंग एलिप्सिस मींस अब सब बच्चों को मैं बता दूं कभी कभी देखना आप जब फेसबुक पे लिखते हैं और सामने वाला भी कुछ लिख रहा है तो बच्चों थ्री डॉट्स होते हैं वहां पे वन टू थ्री वो बोल होती है मतलब इस तरह से डॉट्स होते हैं थ्री डॉट्स इन अ कॉन्टिन्यूशन और ये ऊपर नीचे होते रहते हैं तो ये किसी के थिंकिंग प्रोसेस को शो करते हैं कि उसके माइंड में क्या चल रहा है वो क्या लिख रहा है इसका मतलब क्या हुआ एलिप्सिस क्या है वर्ब नहीं है, है, है। बिल्कुल हो सकता है. फॉर्म ये बच्चों सिमेंटिक ये मतलब मीनिंग को लिंक कर रहा है कहीं ना कहीं से बहुत अच्छे बच्चों तो ये जो थ्री डोट्स इन कॉन्टिन्यूशन होते हैं ये ही आपके एलिप्सिस कहलाते हैं क्वेश्चन बहुत बार पूछा चुका राइट right, बच्चों आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन पे इफ अ लॉन्गर प्लेस ऑफ राइटिंग इज ब्रीफ इफ अ लॉन्गर प्लेस ऑफ राइटिंग इज ब्रीफ कंप्लीट इन थर्ड पर्सन एच तो हो गया था रिपोर्ट अगले क्वेश्चन पे आते ट्वेंटी टू पे बच्चों द पॉलिटिशियन हैड बीन मेकिंग प्रोमिस लॉन्ग बिफोर इलेक्शन टाइम जैसे बच्चों अभी आप देख रहे हैं इलेक्शन चल रहे हैं इलेक्शन होने वाले हैं तो अब सभी लोग कह रहे हैं हम लैपटॉप देंगे हम मोबाइल देंगे हम गैस का चूल्हा देंगे हम आपको तीन महीने का तो सॉरी तीन सौ यूनिट फ्री देंगे देखा आपने अब देखो ये बात कहते हैं कि वो प्रोमिस बना रहे हैं द स्टेटमेंट इज इन द टेंस तो इसका मतलब बच्चों क्या हुआ अगर वो मतलब हमें इसी सेंटेंस को देखना है बाकी उसने कुछ नहीं पूछा पॉलिटिशियन हैड बीन मेकिंग तो बच्चों देखो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की कहानी यहां पे बनेगी फोर नंबर बहुत अच्छे सभी बच्चों ने कह दिया है हाँ होता तो झूठ ही एक तो बात है सोचो बच्चों ये तो अभी उन्होंने स्टूडेंट्स को टारगेट नहीं किया है वरना अगर वो ये कह दें कि एक एक मतलब हर बच्चे को एक डीएसएसबी में एक टीजीटी की सीट मिलेगी एक 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 पीजीटी की सीट मिलेगी आपकी चोइस होगी जो चाहे ले लो और साथ में ये कह दें जिन बच्चों का सीट एट पिछली बार नहीं हुआ तो उनको पास कर दिया जाएगा मेरी गवर्नमेंट तो देखो ना कितना जबरदस्त होगा एक अलग ही उछाल आ जाएगा इस तरफ उनका ध्यान ही नहीं गया अभी तक समझ रहे हैं कि नहीं आप आगे बढ़ते हैं बच्चों देखते हैं ट्वेंटी थ्री को जेंडर सेंसिटाइजेशन इन द स्कूल करिकुलम इंप्लाइज ये बच्चों क्या इंप्लाई करता है अगर हम देखें कि जेंडर सेंसिटाइजेशन क्या है तो देखो चिल्ड्रन शुड बी डिफ्रेंसिएटेड एज बॉयज एंड गर्ल्स नहीं बच्चों ये तो जेंडर सेंसिटाइजेशन बना ही नहीं राइट सेक्स एजुकेशन फ्रॉम प्राइमरी नहीं रेस्पेक्टफुल अप्रोच टूवर्ड्स डिफाइनिंग जेंडर रोल्स तो बच्चों ये बिल्कुल सही बात है मतलब हमें रेस्पेक्टफुल अप्रोच रखनी है जब हम जेंडर रोल्स को डिफाइन करें मतलब लड़की लड़की में फर्क नहीं होना चाहिए दोनों को, हमें होके करना है। बिल्कुल ठीक है, 24 को देखेंगे आप लोग आइडेंटिफाई वेयर द कलेक्टिव फॉर्म इज एन एरर मतलब आपको देखना इस पूरे सेंटेंस में एरर कहां है लिखा होस्ट ऑफ बेबून क्लच ऑफ डक्स या बच्चों शॉल ऑफ फिश तो कलेक्टिव नाउन की आपको प्रॉब्लम देखनी है <coughs> तो बताओ बच्चों क्या गलती होगी इसमें शॉल ऑफ फिश है बिल्कुल होता है तो आप इसमें क्या बनाएंगे जहां तक देखने में लग रहा है बच्चों थर्ड यहां पे गलत लग रहा है होस्ट ऑप आर यू श्योर ठीक है इसमें क्लच नहीं बल्कि बच्चों क्या होना चाहिए फ्लॉक होना चाहिए बाकी इसको एक बार चेक कर लेना आप लोग फ्लॉक ऑफ डक्स होना चाहिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं सब लोग एन एग्जाम्पलर ऑफ क्वेश्चन टू फनल और रेस्ट्रिक्ट अडिन रेस्पोंडेंट आंसर इज एन तो बताइए बच्चों क्या बनेगा <coughs> बस यहां पे देखना है आपको रेस्ट्रिक्ट कर रहा है आंसर को अगर मैं कहूं वोट डू यू थिंक ऑफ द वेदर खुला आंसर है हाउ मेनी बुक्स आर देयर ये बच्चों रेस्ट्रिक्टेड आंसर है वट आर योर गोल्स खुला हुआ है टेल मी अबाउट योर मोस्ट रिसेंट हॉलीडे खुला ये जो सेकंड है यहां पे हाउ मेनी बुक्स आर देयर तो बस आपको बताना है टेन तो आंसर आपका टू जाएगा ये कहीं ना कहीं रेस्पॉन्स को रेस्ट्रिक्ट करता है बाकी तीन में आप कुछ भी बना सकते हैं बच्चों सही बात है कि नहीं जी चांदनी आपने कुछ पूछा है यू वॉन्ट टू आस्क समथिंग जी निकत गुड इवनिंग इसमें बच्चे ये है कि मतलब हमें रेस्पोंडेंट के आंसर को एक तरह से रेस्ट्रिक्ट करना है तो वो क्या बन जाएगा बच्चों हमारा सेकेंड नंबर पे आ जाएगा सेकेंड आंसर होगा ओहो ये तो आपको बड़ा छोटा बना के दे दिया गया मुझे नहीं लगता कि आपको दिखाई देगा सब बच्चे मुझे बताए क्या आपको दिख पा रहा है आर यू एबल टू सी दिस बच्चों या फिर नहीं देख पा रहे हैं आप इसको का छोटे में लिख दिया गया है इसको अच्छा नहीं देख पा रहे हैं चलो अच्छा ये मैं आपको सेंड कर दूंगा कोई बात नहीं है इसमें फोर क्वेश्चन हैं इनको आप देख लेना बाकी मैं इनके आंसर आपको बता देता हूं इससे आप चेक कर लेंगे देखो पहले वाले का आंसर जाएगा राइटर्स व्यू दूसरा जाएगा बच्चों ट्वेंटी सेवन का टीचर्स इवन कोर्ट स्टूडेंट टीचर सपोर्ट इफ कोर्ट अनएक्सपेक्टेड आर स्टिल गुड टीचर्स आर ये बच्चों गुड टीचर्स आर हैं गुड टीचर सेकेंड ट्वेंटी एट का मे एबल टू एडमिट टीचर्स आर टीचर शुड कॉन्फिडेंट इनफ टू अप फोर नंबर जाएगा ट्वेंटी एट का ट्वेंटी ओरकेस्ट्रिंग द क्लास <coughs> का मतलब है एक्नोलॉजिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस और थर्टी का है आस्क से रियल स्टिंकर इसका इसका बच्चों बनेगा टीचर्स आर कैन बेटर इन स्टूडेंट्स ये सेकेंड बनेगा स्टूडेंट्स कैन बी बेटर इनफॉर्म देन टीचर्स तो बच्चों कंप्लीट कर लेते हैं यहीं पे हाँ कुछ काफी छोटा फ़ॉन्ट हो गया इसमें तो आप इसे घर पे कर लेंगे ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी बड़ी आसानी से चैनल पे आप देख सकते हैं बाकी बच्चों जो मैं आपको बता रहा था कि एलटी ग्रेड का बैच और बच्चों आपका डीएसएसएसबी का भी आई एम ट्राइंग टू मेक वेरी सून ये जल्द ही तैयार होकर आप लोगों के सामने होगा तो सब बच्चे इसीलिए तैयार हैं थोड़ा सा डिले बस इसीलिए हो रहा है कि सभी बच्चे तैयार हो जाएं जिससे क्योंकि अभी बच्चे अपना पेपर देने में व्यस्त हैं ज्यादातर बच्चे अपनी सी टेट में व्यस्त हैं तो लेट देम डू लेट देम कंप्लीट कोई बहुत जल्दी नहीं है बच्चों तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में थैंक यू सो मच बच्चो अ ग्रेट टाइम बाय थैंक